नमस्कार, घटना चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह कुछ खास मुद्दे, कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और सबसे पहले बात करेंगे आज ओबीसी की। जी हां, ओबीसी को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया गया है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो क्रीमी लेयर का आंकड़ा था उसको लेकर के जो बातचीत चल रही थी कि उसे बढ़ा करके 10 से 12 लाख किया जाए, सालाना आय जिनकी हो, लेकिन उसे बढ़ा करके फिलहाल 8 लाख कर दिया गया। इसके अलावा एक कमीशन भी बनाया गया है जो इस बात को लेकर के अब निर्णय करेगा कि अब कोटे के अंदर क्या सब कोटा हो सकता है। तो क्या बिहार की तर्ज पर, जहां पर कि दलित और महादलित कोटा था, उसी तर्ज पर अब केंद्र में भी ओबीसी कोटे के अंदर कोई सब कोटा बनेगा, और इसके क्या कुछ राजनीतिक परिणाम होंगे, और क्या 2019 की को ध्यान में रखते हुए इसको लिया किया जा रहा है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के जरा हम बातचीत करते हैं, विश्लेषण करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्रीमी लेयर को लेकर के आज क्या कुछ कहा गया वित्त मंत्री की तरफ से, वो सुन लेते हैं। मंत्रिपरिषद ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की उस प्रस्तावना को स्वीकार किया जिसके तहत आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति जी को सिफारिश की जाएगी कि एक आयोग का गठन करें जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है केंद्रीय सर्विसेज की, उसमें सब कैटेगराइजेशन करेगी। सो द प्रपोजल इज दैट देयर विल बी सब कैटेगराइजेशन विद इन द ओबीसी लिस्ट फॉर द पर्पसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ये जो कैटेगराइजेशन के लिए कमीशन बनेगा, ये मैं इसके मूल टर्म पढ़ देता हूं। इट विल एग्जामिन द एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन अमंगस्ट कास्ट कम्युनिटीज इंक्लूडेड इन द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ओबीसीज विद रेफरेंस टू द सेंट्रल लिस्ट, वर्कआउट द मैकेनिज्म, क्राइटेरिया, नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स इन अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर सब कैटेगराइजेशन विद इन सच ओबीसीज, take up the exercise of identifying the respective caste, community, subcaste synonyms in the central list of the OBCs and classify them in their respective subcategories. चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पुष्पेन कुलशेष जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उपेन्द्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और दिलीप के सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप राइटर जैन टीवी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उपेन्द्र जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। अब ये जो सब कैटराइजेशन जो है, सब कोटा बनाने की बात हो रही है, जिसके लिए अब जांच आयोग एक जो है कमीशन बनाया जाएगा जो 12 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, उसके बाद सरकार फैसला लेगी, क्या कुछ इसके मायने आप देख रहे हैं, क्योंकि आप जातियों से जुड़े मसले को बहुत नजदीकी से देखते रहे। संक्षेप में अगर आप समझा पाए हमारे दर्शकों को। तो देखिए, इस तरह की मांग पिछड़े वर्ग की जो कमजोर जातियां हैं वो पहले से कर रही थी जी। आपको पता होगा कि बिहार में एक कर्पूरी फार्मूला के तहत पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोग हैं दो भाग में बटे हुए हैं। एक भाग को एनेक्सर 1 में डाला गया, दूसरे को एनेक्सर 2 में डाला गया। जो एनेक्सर 1 में है उसी को बोलते हैं अति पिछड़ा वर्ग, और जो एनेक्सर 2 में वो पिछड़ा वर्ग है। बिहार में दो भाग में बटा हुआ है, तमिलनाडु में 5 भाग में बटा हुआ है, कर्नाटक में भी 4-5 भाग में बटा हुआ है, और जो दक्षिण का एक राज्य आंध्र प्रदेश है, दो राज्य हो गए तब आंध्र प्रदेश तेलंगाना, वहाँ भी सब कैटेगराइजेशन है। कुछ जो राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जिनमें आरक्षण बाद में आया उसमें नहीं कैटेगराइजेशन है, इसमें एक सिंगल एंटिटी ग्रुप में मिलता है। तो उसमें होता क्या है, कुछ जो एडवांस जातियां हैं, क्योंकि पिछड़े वर्ग में एक तो नहीं है, सैकड़ों जातियां हैं जी। अगर पूरा जो लिस्ट सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी देखें तो उसमें करीब 3,500 जातियां आ जाती है, क्योंकि वास्तव में 1,500 करीब होगी, 1,500 होगी, क्योंकि एक जात है जो बार बार अपीयर होती है अलग अलग राज्यों में। तो ये जो कमजोर वर्ग की जातियां, जो वीकर सेक्शन है पिछड़े वर्गों में भी अलग अलग, उसमें बहुत विषमता, भारी विषमता है। तो उसका जो टॉप जो कुछ जातियां हैं वो आरक्षण के जो 27% है, मान लिया उनकी आबादी है 5%, जो टॉप ओबीसी हैं, और वो 27% में 20% उन्हीं के पास चला जाता है। तो जो कमजोर वर्ग की जातियां हैं वो मांग कर रही थी कि बिहार के कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के तहत इसमें सब कैटेगराइजेशन किया जाए, और उसमें जो ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको विशेष संरक्षण दिया जाए। तो ये मांग
बहुत दिनों से उठ रही है, बहुत आप मीडिया में नहीं आता होगा क्योंकि जो बहुत कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनकी बातें मीडिया में नहीं आ पाती ढंग से, लेकिन इस तरह की मांग थी, लोग पटिशन देते थे, बात लोगों में आपस में चर्चा होती थी, हमें लगता है कि उनकी मांग को ध्यान में रख करके। और एक दूसरा हमें और लग रहा है कि ये जो आंदोलन होते हैं जाटों के, मराठों के, पाटीदारों के जो आंदोलन हो रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट होगा सरकार का जो डिसीजन है उसमें, ये है कि वो लोग भी मांग कर रहे हैं, तो उनकी समस्या ये है कि जो पिछड़े वर्ग के जो कुछ दो तीन डोमिनेंट कास्ट हैं उसको देखकर कहते हैं कि जब इसको मिल रहा था हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए। जैसे हरियाणा के जाट बोलेंगे कि भाई जो यादव है वहाँ का वो तो हमसे भी ज़्यादा विकसित है, हमसे भी ज़्यादा संपन्न है, सोसाइटी में हमसे कम उसका रुतबा नहीं रहा है, वो तो वहाँ रेवाड़ी के राजा ही यादव हुआ करते थे, राव तुलाराम वगैरह हुआ करते थे, ये तो रूलिंग क्लास है जो अभी तक कुछ समय तक पहले तक रूलिंग रहा, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है उसका भी हमें लगता है इसमें ध्यान रखा जाएगा। हो सकता है कि अभी तो जो एग्जिस्टिंग जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनका सब कैटेगराइजेशन होगा, फिर बाद में हो सकता है कि वो जो मांग करते हैं कुछ और लोगों को भी शामिल किया जाए, तो ऊपर का जो डोमिनेंट कास्ट है उसकी सूची में डाली जा सकती है। हमें लगता है कि दोनों तरफ से जो नीचे का जो विकर सेक्शन है, दूसरा जो कि ओबीसी से बाहर के लोग जो डिमांड करते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। हमें लगता है कि बढ़िया एक कदम है सरकार का, एक खास करके जिसको सामाजिक न्याय कहते हैं वो और सामाजिक न्याय की ओर बढ़ने के लिए, हालांकि आरक्षण से क्या सामाजिक न्याय हो रहा है कुछ तो हो नहीं रहा ज्यादा, लेकिन उसकी दिशा में कहिए एक और बेहतर कदम है, तो इसका आमतौर पर समाज में स्वागत ही किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि इसका विरोध भी हो। चलिए मैं सेकंड राउंड में आता हूं उपेंद्र जी आपके पास थोड़ा और विश्लेषण करने के लिए। दिलीप जी आपसे जानना चाहेंगे, एक तो इसमें मामला ये है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इसका जो है वो इस आरक्षण से वंचित रहा, तो अब उनकी जो डिमांड थी वो पूरी होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा राजनीतिक मायनों में किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को आप? देखिए आरक्षण एक ऐसा विषय रहा है और खास करके उस दो तरह के आरक्षण हमने देखा, एक तो दलित SC ST के लिए है और एक OBC के लिए है, और इस आरक्षण को लेके हमने देश में कई तरह के आंदोलन देखे हैं, कई तरह के मांगे हम डेली ऑलमोस्ट हमने डेली बेसिस देखते हैं। बिहार के चुनाव को अगर हम ताजा है, बिहार में सिर्फ एक आरक्षण के नाम पे लालू यादव ने कैसे पूरे हवा को अपने पक्ष में अपने रुख में किया। तो कुल मिलाकर के आरक्षण जो है एक हाइपर सेंसिटिव जैसे कहते हैं अति संवेदनशील एक ऐसा विषय रहा है जिसपे राजनीतिक दल कोई भी खतरा लेना कभी भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो खतरा तब लेते हैं जब उन्हें लगता है कि हमें इसका सियासी गुना भाग करने का कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। और ये कई जो उपेंद्र जी कह रहे थे वो तो है ही, लेकिन आप खुद देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है उत्तर प्रदेश में खास करके अगर उसको देखें हम, और बिहार में जो उन्होंने महागठबंधन को तोड़ के अब जो एक NDA का एक्सपेंशन हुआ है जिसमें कि कुशवाहा साहब भी हैं और नीतीश कुमार जी भी हैं, और एक नीतीश कुमार ने ऑलरेडी बिहार में OBC MBC पिछड़ा अति पिछड़ा का जो उन्होंने सियासत गुना भाग करके जो इंजीनियरिंग की उसके परिणाम उनको अच्छे मिले। तो मुझे लगता है कि एक तो ये है कि एक वाकई एक जरूरत होनी चाहिए कि अगर आप सामाजिक न्याय, सामाजिक उत्थान, सामाजिक परिवर्तन, समाज में बेहतरी की कोशिश करते हैं तो ये तो होना ही चाहिए कि फायदा जिनको नहीं मिला है वो इंश्योर किया जाए कि उन तक फायदा ज्यादा से ज्यादा मिले जो अब तक वंचित है उस वर्ग में भी। तो मुझे लगता है उस लिहाज से तो एक स्वागत योग्य कदम है जो तमाम जो उपेंद्र जी कह रहे थे, लेकिन इसकी सियासत जो है इसको दो तरीके से, खास करके जो दो बिहार और यूपी का जो दो पॉलिटिकल ध्रुव वहां पे ध्रुव है वो है यादव पॉलिटिक यादव लालू यादव और मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव, अब और वहां पे जो वोट बैंक जो है इनका वो भी इसी तरह से डिवाइडेड है कि यादव मुस्लिम ही वोट बैंक रहा है। तो मुझे कुल मिलाकर के जो मुझे स्थिति वहां पे विपुल दिख रहा है कि ये कम से कम लालू यादव और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ये जरूर अगर अभी तक नहीं आए हैं ये उनका एक जरूर प्रयास होगा कि गवर्नमेंट के इस प्रयास को वो पॉलिटिकल कलर दें, वो ये कहें जो नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लग चुका है जो पहले रामविलास पासवान भी लगाते थे कि उन्होंने दलित में दो कैटेगरी करके दलित और महादलित को सिर्फ वोट के लिए बांटने का कोशिश किया, बहुत सारे और नेता लगाते थे कि उन्होंने पिछड़ों को बांटने के लिए पति पिछड़ा अति पिछड़ा किया, हालांकि वो चीजें पहले से कई चीजें मौजूद थी,
लेकिन इस बात का कमीशन बिठा करके 12 हफ्ते में रिपोर्ट ला करके स्थिति को स्पष्ट करना, मुझे लगता है ये एक क्रांतिकारी, मैं इसलिए कहूंगा कि जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि ओबीसी में किन जातियों के पास किसको फायदा मिल रहा है अभी तक, तो एक नीचे से जो बात कह रहे उपेंद्र जी आवाज आ रही है, वो आवाज को फिर तरजीह मिलेगी और फिर वो जो है जो अब तक वंचित है इसका लाभ उनको मिलेगा। उदय जी, इस मामले को आप सिर्फ इस बात से देख रहे हैं कि जो तमाम एक तबका, जो निचला तबका है, उसे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है ठीक तरीके से, कुछ जातियां हैं जो ज्यादा लाभ ले रही हैं, या फिर इसके पॉलिटिकल मायने भी, राजनीतिक मायने भी आप देख रहे हैं, चुनाव कई सारे आने वाले हैं? नहीं नहीं, दोनों मायने हैं। अरुण जेटली के बयान में ही दो बातें शामिल है। उन्होंने कहा कि जो ये अन्य पिछड़ा वर्ग उप वर्गीकरण जांच आयोग जो होगा, यह आयोग केंद्रीय ओबीसी की सूची में शामिल जातियां जो हैं उनमें आरक्षण के लाभ के असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जांच करेगा कि आरक्षण जो है किसको ज्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है, कौन ज्यादा लाभ उठा रहा है, कौन ज्यादा वंचित है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्गीकरण से उन जातियों को भी लाभ मिलेगा जो अभी तक जो है आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। तो ये दो बातों में बिल्कुल साफ है कि ये जो होगा करीब 5,000 जातियां इसमें बता रहे हैं कि वो उसके ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अवधेश जी, मुझे आपको बीच में रुकना पड़ा था, ब्रेक के लिए जाना था, बचाऊंगा अपनी बात आप पूरी करें, उसके बाद फिर पुष्पिन जी की बात कर रहे थे। तो ये जाहिर है कि इसमें इस समय जो देश भर में अलग अलग जातियां आरक्षण की मांग कर रही हैं कि हमको पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए, इन सबका भी ध्यान रखा गया है। तीन बातों का ध्यान रखा गया है। एक कि आरक्षण की श्रेणी में भी कुछ जातियों के अंदर असंतोष है कि हमको जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, कुछ विशेष जातियां, कुछ विशेष तबका इसका लाभ उठा के ले जा रहा है, तो इसकी जांच परख करना कि क्या कितना यह सही है। दूसरा, कुछ लोगों की मांग थी कि भाई हम लोग जो है एक निश्चित आमदनी तक पहुंच गए और इसके कारण हमको वंचित कर दिया गया, जबकि हमको मिलते रहना चाहिए था, तो इसीलिए वो जो क्रीमी लेयर है 6 लाख से 8 लाख कर दिया गया, अब 8 लाख तक की भी आमदनी है तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, पहले 6 लाख तक की आमदनी के ऊपर वालों को नहीं मिलता था। हालांकि पहले किसी ने कहा कि 10 लाख होना चाहिए, 12 लाख होना चाहिए, मेरे हिसाब से 8 लाख कम नहीं है, बहुत ज्यादा है 8 लाख। और तीसरा जो है, इस समय जो मांग हो रही है जाटों की, मराठों की, अलग अलग पटेलों की, तो उन सबको समाहित करने के लिए। तो अगर देखिए तो सामाजिक न्याय की दृष्टि से, सामाजिक न्याय का हमारे देश में दुर्भाग्य से एक ही प्रचायक रह गया है आरक्षण, क्योंकि उसमें अपनी ओर से कुछ नहीं मेहनत करना है, जो है उसमें से बांट के आपको दे देना है तो वो आप कर दे रहे हैं, उसमें हमको कोई हर्ज नहीं है। जिसको अब इसमें पिछड़ी जातियों में ही कुछ लड़ाई हो जाएगी, जैसे यादव जाति अगर आएगा कि सबसे ज्यादा लाभ मिला है तो अब उसमें जो कटहरी में आएंगे उनके साथ कंपटीशन करो। इसका राजनीतिक मायने ये है कि नरेंद्र मोदी लंबे समय से दलितों और पिछड़ों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पैठ में सफल भी रहे हैं, माने पूरी तरह नहीं लेकिन एक हद तक वो सफल रहे हैं। अब लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को अग्रे वर्ग की पार्टी मानी जाती रही, हालांकि उसके नेताओं में पिछड़े वर्ग की संख्या रही है सबसे, अगर 1989 के बाद से देखा जाए तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो 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 आरक्षित सीटें होती है बीजेपी जीतती रही है, लेकिन उस पर एक बड़े व्यापारियों और बड़ी जातियों के पार्टी का जो है ठप्पा लगा हुआ था। अब ये इससे ये टूटेगा कि ये आरक्षण का कुछ ही पार्टियों को ठेका नहीं है कि यही पिछड़ी जाति का और यही दलितों की राजनीति करते हैं, जो कुछ लोग ठेका लेके बैठे हुए हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उन पर बहुत बड़ा चोट है, क्योंकि इसके बाद जैसे ही आएगा इतनी जल्दी इसकी सिफारिश करके और उसको लागू कर देना कि अब हम ये लागू करने जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये एक तीसरा या चौथा चोट होगा आने पिछड़ी जाति की राजनीति करने वालों पर। ये इसलिए इसका राजनीतिक मायने अत्यंत गंभीर है। बीपी सिंह के बाद, बीपी सिंह ने मंडल आरक्षण को लागू किया, उसके बाद मैं समझता हूं कि उस दिशा का यह सबसे बड़ा कदम होगा
और इसका असर राजनीति पर व्यापक रूप से पड़ना पूरे भारत की राजनीति पर तात्कालिक और दूरगामी दृष्टि से ये बिल्कुल निश्चित है। निश्चित पड़ेगा पुष्पेंद्र जी, आपकी टिप्पणी इस पर खासतौर से तब जब हमने बिहार के चुनाव में एक बयान से पूरा माहौल बदलते देखा, तो एक इस फैसले से एक ये भी संदेश जाएगा कि किसी भी तरीके के बयान को अब कोई भी तोड़ मरोड़ कर किसी तरीके से पेश नहीं कर पाएगा और तमाम जो विपक्षी होंगे उनके खिलाफ एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक मारे। देखिए दो तीन चीजों को देखें, अभी जिक्र अवधेश जी ने वीपी सिंह साहब का किया, सब जानते हैं कि वीपी सिंह साहब ने किस मजबूरी के चलते वो मंडल लाए, उनकी क्या इच्छा शक्ति थी और जिस तरीके से वो आया और उसके बाद एक आंदोलन बना, फिर उसकी काट के लिए कमंडल आया। मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी के पास एक पूरा संगठन है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो सरकार में किसी की बैसाखी पे नहीं है। इस वक्त जो कुछ भी वो कर रहे हैं मैं कहता हूं बड़ा कैलकुलेशन के साथ कर रहे हैं, उसमें सच्चाई भी है और उसमें राजनीति भी है। अभी आप तीन चार चीजों को देखें कि धारा 370 कोर्ट तय कर रहा है, 35A कोर्ट तय कर रहा है, राम मंदिर पे 5 दिसंबर से सुनवाई शुरू होगी, हिंदू आतंकवाद का जो हवाई किला खड़ा किया था वो कल आखिरी धराशायी हो गया और पूरे देश में सबको पता चल गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अब इस देश में बहुत मुखर होके हो रही है, 3 तलाक के ऊपर जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है और उसके बाद सरकार से कानून बना, तो ये वो मुद्दे थे जो प्रिय मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के और हिंदुत्व के मुद्दे थे। तो इन मुद्दों के बाद में उत्तर प्रदेश के चुनाव ने जो जमीन पे केमिस्ट्री बिठाई थी और उसमें मायावती को आइसोलेट कर दिया कि विद इन दलित के अंदर भी जो एकमात्र सेक्शन था सिर्फ उसके अलावा सारा सेक्शन आपके पास आ गया। आपने बिहार में इलेक्शन तो हारा, आप सरकार में तो बाद में अब आए, लेकिन आपका वोट परसेंटेज दोनों पार्टियों से बड़ा रहा। तो खासतौर से मायावती, मुलायम सिंह, लालू, ये तमाम सारे लोग जो शुद्ध राजनीति इसकी करते थे और जो सामाजिक न्याय से मार्केट में आए थे और आखिर में एक जाति के नेता बन के रह गए, इनका जो वर्ग था इन्होंने जिसको उपेन जी ने कहा डोमिनेंट कास्ट, तो ये डोमिनेंट कास्ट थी वो उनको जगह ही नहीं देती थी। और इसका सफल एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास कराता है कि बहुत सारे अभी ओबीसी में ऐसे लोग हैं जो उनके साथ नहीं जाना चाहते, जो उनकी दबंगई से जो है परेशान ने उसको अपने साथ किया। तो मैं ये मानता हूं कि 2019 के लिए हिंदुत्व की जो हमारी हांडी थी वो पूरे अपने उबाल पर है, हिंदू आतंकवाद को लेकर देश के अंदर एक वर्ग ने और एक जो लिबरल थे उनको बैकफुट पे कर दिया है और जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे उनके भी सामने एक बड़ी चुनौती होने वाली है कि वो अपने वोट बैंक को बचा ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं मानता हूं कि 2019 की तैयारी में इतना फर्क है कि वीपी सिंह ने तत्कालिक तौर पर एक रैली से बचने और उस चुनावी गणित के चलते किया, फिर कमंडल जल्दबाजी में आया, अब ना कोई कमंडल की बात हो रही है ना कोई मंडल की बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके से जो एक और इसमें इशारा छुपा है कि भाई 12 हफ्ते में उनको बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म चल रहा है, मुझे लगता है अगले 4-5 महीने के अंदर ये स्टेज सेव हो जाएगा और चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो उसका असर सीधा सीधा गुजरात भी है। मैं कहूं लार्जर सेंस में 2019 के लिए पूरा स्टेज सेट हो रहा है, लेकिन इसमें सच्चाई ये जरूर है कि सरकार इस बात को लेकर ईमानदार है कि एक बड़ा वर्ग जो है ओबीसी में जिसको सुना नहीं उसकी मदद भी होगी और वो वोट बैंक भी बनेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उपेंद्र जी एक सवाल आपसे था, अभी जो सामाजिक न्याय की चर्चा आप कर रहे थे और आप कह रहे थे कि तमाम बहुत बड़ा वर्ग था जो कि लगातार इस बात की अपील कर रहा था और वो काफी पिछड़ा भी है, उसको रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिल रहा है, फिर सवाल ये उठता है कि ये जो क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाया गया इसके पीछे क्या मंशा आपको लगती है? 6 लाख रुपए पहले थी, अब वो भी 50,000 रुपए महीना कोई कम रकम नहीं होती है, उसमें अगर जातियों के हिसाब से देखें तो तमाम सवर्ण और तमाम हिस्सों की जातियां होंगी जिनकी आमदनी 50,000 रुपए महीना नहीं होगी, उसे बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया, इसके पीछे की मंशा आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जब लागू हुआ था पिछड़े वर्णों के लिए आरक्षण उसमें 1 लाख रुपया ही था, तो समय के साथ जैसे जैसे इन्फ्लेशन होता है तो बढ़ता जाता है लगातार, उस समय हो सकता है जो 1 लाख का जो परचेजिंग पावर था 1993 में अब हो सकता है 10 लाख रुपया हो गया होगा परचेजिंग पावर, तो उस हिसाब से कही है तो उसमें 1 लाख था तो अभी 10 लाख होना चाहिए। फिर एक 50,000 रुपया बहुत ज्यादा नहीं है पर मंथ, क्योंकि पिछड़े वर्गों में आरक्षण का फायदा वही उठाते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जो IIT में पढ़ने के लिए जाएंगे, मेडिकल में पढ़ने जाएंगे और उसका कितना खर्च आप अंदाज लगा लीजिए, उसमें जो सबसे गरीब तबका है आरक्षण उसके लिए है ही नहीं, जिसको 10,000 रुपया महीना आमदनी हो रही है, 15,000 रुपया महीना आमदनी हो रही है, वो अपने बेटों को पढ़ा ही नहीं पाता है, तो आरक्षण तो उसके लिए ना जो पढ़ रहा है, तो जो एक पढ़ रहा हो जिसके पास फीस देने की कैपेसिटी हो क्षमता हो, तो उसका 50,000 रुपया कोई बहुत ज़्यादा नहीं है देखने में आपको लगता हो, तो ये 50,000 रुपया अगर आप कोई इकोनॉमिक
कार्यक्रम चला रहे हैं इंपावरमेंट का, तब तो आप कहिएगा कि 50,000 बहुत ज्यादा है, आप 5,000 वाले क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको 5,000 आमदनी हो रही है, 10,000 आमदनी, उसको एम्पावर कीजिए। यहाँ है कि एजुकेशनली एम्पावर करने की बात हो रही है, मतलब जो एजुकेशन में बेहतर जगह जा सके। तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग जो अभी समाप्त हो गया उसमें 15 लाख की थी, और हमें लगता है जो 7वां वेतन आयोग हुआ लागू उसके बाद 6 लाख से कम 12 लाख होना चाहिए था, 15 लाख तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 8 लाख पिछले ही साल से हम सुन रहे थे, एकाएक नहीं आया है, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था उसके पहले चर्चा आई थी कि 8 लाख रुपया कर दिया जाएगा, तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यूपी चुनाव में पहले ही हो जाएगा लागू, लेकिन वो नहीं किया, एक साल देर से किया गया, क्योंकि पिछला किया गया था 2013 ईस्वी में, तो 4 साल के बाद 2 लाख बढ़ाया गया। तो जिस तरह से इन्फ्लेशन होता है, रुपये की कीमत घट जाती है, उसी तरह से बढ़ाया जाता है, लेकिन ये क्रीमी लेयर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये विसंगतियों से भरा हुआ है। ये 8 लाख रुपया तो उस पर लागू हो रहा है जो कि जॉब नहीं करता है, लेकिन अगर कोई सरकारी जॉब कर रहा है, सेकंड क्लास अफसर है, वो 20 लाख रुपया उसको सालाना आमदनी हो रही है, फिर भी वो क्रीमी लेयर में नहीं है। तो ये जो पूरा विषमता से भरा हुआ है, अगर मान ले कि पति पत्नी दोनों है, एक है क्लर्क है और एक है सेकंड क्लास अफसर, तो उसके दोनों को मिलाकर के संयुक्त आय 30 लाख रुपया है सालाना, तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आता है, लेकिन इसका 8.5 लाख रुपया आ जाएगा वो क्रीमी लेयर में हो जाएगा, जो सरकारी नौकरी में नहीं, कोई पान वाला है, चाय वाला है, उसकी आमदनी अगर 8.5 लाख हो गई तो आ गया क्रीमी लेयर में, और कोई परिवार है जो सेकंड क्लास अफसर है और इसकी माँ क्लर्क है, तब वो हो जाएगा नॉन क्रीमी लेयर। तो इसमें बहुत विसंगतियां हैं, उसको भी दूर करनी चाहिए, कम से कम है कि आप ये वो दोनों का जो डिफरेंस है जो उसको भी तो आप देखिए। चलिए, इस बीच हमारे साथ शकीलुज्जमान अंसारी साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व सदस्य हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के, कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। शकील साहब, आपसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि अब ये जो फैसला लिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को, और तमाम लोग कह रहे हैं कि एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक है, आप कैसे देख रहे हैं, आप लंबे समय तक पिछड़ा आयोग के सदस्य भी रहे। शकील साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अच्छा, लगता है उनसे अभी तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। लेकिन दिलीप जी, आपकी इस पर टिप्पणी, जो क्रिमिनल लेयर का दायरा बढ़ाया गया है। नहीं, वो चूंकि जो बात कह रहे हैं, इन्फ्लेशन का भी एक असर तो रहता ही रहता है, और मुझे लगता है कि जब आप कहते हैं कि आप एक आज के दिन में, अगर दिलीप साहब, शकील साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं चाह रहा हूं छोटी टिप्पणी उनसे ले लेते हैं। शकील साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी। शकील साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि आप लंबे समय तक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्य रहे हैं, और आज जो फैसला बात कही गई है, तो क्रिमिनल लेयर का दायरा बढ़ाया गया, और साथ ही साथ अब जो एक कमीशन बनाया जा रहा है और एक तरीके से सब कोटा निर्धारित होगा आने वाले समय में, आप कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, इस फैसले को ऐसे ही देख रहे हैं कि ये सरकार ओबीसी समुदाय को लॉलीपॉप देना चाहती है, इसलिए ये दो अलग अलग फैसले हैं, एक सब कैटेगराइजेशन का फैसला है, एक क्रीमी लेयर का फैसला है। जी, क्रीमी लेयर का फैसले हर 3 साल के बाद उसको अमेंडमेंट करना चाहिए, और उसके लिए कमीशन अपना एक रिकमेंडेशन देती है, और हमारा जो ओबीसी कमीशन था, जो मैंडेटरी कमीशन था, उसके जो फैसले हैं वो सरकार को मानना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने पूरी मेहनत करने के साथ, पूरे इंडेक्स लेने के बाद, पूरे जो प्राइस का इंडेक्स है, जो शेयर का है, और जो एम्प्लॉयमेंट के तनख्वाहें बढ़ रही हैं, उन सब के इंडेक्स एक मैकेनिज्म के साथ हम लोगों ने एक रिकमेंडेशन किया था कि 12 लाख रुपये कम से कम मिनिमम होना चाहिए क्रीमी लेयर की लिमिट, और उसी मेरे रिकमेंडेशन के बाद पार्लियामेंट्री जो ओबीसी की पार्लियामेंट्री कमेटी है, उस कमेटी ने 20 लाख का रिकमेंड किया था कि 20 लाख होना चाहिए मिनिमम। अब 6 लाख से सिर्फ 2 लाख बढ़ा के कर दिया गया है। हमको लगता है कि इससे ओबीसी समुदाय को इससे ज्यादा झटका कभी नहीं लग सकता है, और ये उनके लिए, क्योंकि आप देखिए, ये जो एनालिसिस किया गया था, अभी तक जो 27% जो रिजर्वेशन है ओबीसी का, उसमें सिर्फ 12% ही अभी पदों को भरा जा सका है, क्योंकि क्रीमी लेयर की लिमिट इतनी कम रखी जाती है कि जो पढ़ने लिखे जो फैमिली के लोग हैं वो आगे आ ही नहीं सकते हैं। एक तो बहुत गरीब हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं वो बहुत ऊंचे ओहदों पर नहीं आ सकते हैं, जो छोटे ओहदे हैं, तो 4 ग्रेड की जो पोस्ट है वो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आती है। जो ऊपर के जो ओहदे हैं, क्लास 1 के, ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के,
उन ओहदों पर जब आप लिमिट इतना कम कर दीजिएगा तो आप समझिए कि हमारे सोसाइटी के जो सरकारी इम्प्लाई हैं उनके क्लर्क भी फायदा नहीं उठा सकते, चापरासी भी फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो वो अब आज आप देख लीजिए मेडिकल कॉलेज का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रेट फिक्स किया है 12 लाख 14 लाख। लेकिन शकील साहब जो एक सवाल है, आप सवाल उठा रहे हैं इसको 6 लाख से 8 लाख किया, जो दूसरा सवाल है जो आयोग बनाया जा रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आयोग बनाने का तो फैसला इनका ये है कि इन्होंने कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की गई थी, तो इनकी जब सरकार आई तो इन्होंने पुराने लोगों को रिटायरमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के बजाय इन्होंने उस कमीशन को ही भंग कर दिया और नया बिल लेके आए पार्लियामेंट के अंदर कि नई कमीशन हम बनाएंगे। और इनकी सिंसियरिटी इतनी कम है कि सेलेक्ट कमेटी में गया, इन्होंने सब पार्टी से बात नहीं किया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, सब पार्टियों से बात करके इनको बिल लाना चाहिए था, उन्होंने लाया नहीं। अब सेलेक्ट कमेटी में राज्यसभा के गई, एक सेशन उसमें निकल गया, सेलेक्ट कमेटी के बाद जब पार्लियामेंट में राज्यसभा में बिल आया तो इनके मेंबर उस वक्त गायब थे, आपने देखा होगा काफी मोदी जी ने और सब मेंबरों को डांट लगाई कि वो अमेंडमेंट जो है एक्सेप्ट हो गया। अब जो अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो गया अमेंडमेंट के साथ आप पार्लियामेंट के डिटेल में जा रहे हैं, मेरा तो सवाल है कि जो आज निर्णय है उस फैसले का आप स्वागत करते हैं या स्वागत नहीं करते? आपको नहीं समझ रहे हैं ना, ये फैसले ये फेल कर गए, हर बात मुसलमानी समझ, ये फेल कर गए, कमीशन नहीं बन रहा है तो ये न्यू एक पर्पस के लिए न्यू कमीशन का गठन कर रहे हैं फॉर वन पर्पस, फॉर टेम्पररी कमीशन, नॉट ए परमानेंट कमीशन। नहीं, ये तो कमीशन जो है ये कमीशन 12 सप्ताह में कि किसको किस जातियों को कितना फायदा हुआ है, कौन ज्यादा वंचित रह गए हैं, उस सिर्फ उस पे 12 सप्ताह में रिपोर्ट अपना सरकार को देगी और सरकार उस रिपोर्ट के बाद क्या करती है। तो आप इस तरह के किसी फैसले को स्वागत करते हैं या नहीं करते? कैटेगराइजेशन के लिए किया है, जो ये छोटी कमेटी बना रहे हैं ये इतना काम कर ही नहीं पाएगी ना, पाएगी नहीं कर पाएगी तो अलग। मेरा सवाल ये है सर, क्या 12 हफ्ते में कि किसको फायदा हुआ है, किन जातियों को आरक्षण का फायदा मिला है, कौन सी जातियां ऐसी हैं ओबीसी में जिन्हें नहीं है, उनके उनके कमीशन में ये जो आप कह रहे हैं ये अलग बातें हैं, वो है कैटेगराइजेशन, किसी स्टेट में एक कैटेगरी है, किसी स्टेट में दो है, किसी में तीन है, किसी सब कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन कैटेगराइजेशन करना है और सब कैटेगराइजेशन कितना होगा हर राज्यों में अलग अलग है, पहले इसको फैसले करने हैं, उस फैसले करने के बाद कौन सी कम्युनिटी को किस कैटेगरी में डालना है ये एक लंबा काम है। ये तो आप इस फैसले का स्वागत करते हैं नहीं करते देर में कहेंगे वो साहब उसको भी पकड़ी। तो अगर बिहार की तर्ज पर जिस तरीके से कोटे में सब कोटा बनाया गया, अगर इस पर सरकार आगे बढ़ती है और ओबीसी कोटे में सब कोटा बनाती है तो इस फैसले का स्वागत करेंगे आप या नहीं करेंगे? हम ये तो मेरा रिकमेंडेशन है सरकार को, क्या गजट में जारी करा दें? मेरे रिकमेंडेशन पर आज 3 साल के बाद उनको आंख खुली है, लेकिन सवाल है कि जो ये कर रहे हैं ना वो एक नया कमीशन बना के उसको उसके परवी में आता ही नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा, उसके लिए फिर परमानेंट कमीशन चाहिए और फिर परमानेंट कमीशन जब बनेगी तब वो सरकार के पास कोई रिकमेंडेशन जाएगी। तो ये जो है ये लॉलीपॉप है जो दे रहे हैं ओबीसी समाज को। चल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अपना महत्वपूर्ण लॉलीपॉप है उपेंद्र जी का। चले उपेंद्र जी, ये देखिए असल बात है कि वो दो बात को कंफ्यूज हो रहे हैं, एक संविधान का है आर्टिकल 340 में संविधानिक व्यवस्था है कि पिछड़े वर्गों की पहचान की जाएगी और उनके वेलफेयर के लिए रिकमेंडेशन किए जाएंगे, उसी के तहत कालेलकर कमीशन बना था, इसको प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बोलते हैं, उसी संविधान प्रावधान के तहत मंडल आयोग बना था, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था जिसको मंडल आयोग कहते हैं, बीपी मंडल उसके चेयरमैन थे, पहला जो बना था उसके काका कालेलकर चेयरमैन थे, तो उसी 340 प्रावधान के तहत अब तीसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बन रहा है। तो ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग बन रहा है वो संवैधानिक प्रावधान के तहत है कि ये अस्थायी, वो बोल रहे हैं कि अस्थायी होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, अस्थायी हो जाए वो अलग मामला है, लेकिन ये जो अस्थायी बनेगा इसका काम है कि जांच करके अपना रिकमेंडेशन देना, रिकमेंडेशन दे करके
फिर वो समाप्त हो जाते। एक तरह से मंडल आयोग जैसा एक आयोग बनेगा जो कि एक जांच करेगा कि जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उसमें जो प्रिविलेजेस जो सुविधाएं दी गई है, रिजर्वेशन दिया गया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो लोपसाइडेड तो नहीं है। इससे जो मान लिया 5000 जातियां, 5000 तो नहीं है 1000 जातियां हैं, संख्या इसलिए बढ़ जाती है। इसे एक यादव है वो 25 जगह लिखा हुआ होगा, उसमें सब राज्यों में अलग अलग यादव लिखा हुआ है, तो उसको जोड़ने से यादव हो गया, उसे कुर्मी हो गया, 10 राज्यों में कुर्मी है तो 10 जगह उस लिस्ट में, 5000 की लिस्ट में 10 जगह उसका नाम आया था। तो ये करीब 9-10 जातियां हैं। तो इन जातियों में देखा जाएगा कि किसको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है और कोई जो फायदा मिल ही नहीं रहा है, तो उसमें जो जो ज़्यादा फायदा ले रहे हैं उनके लिए अलग कैटेगराइजेशन हो जाएगा। और ये कैटेगराइजेशन का काम परमानेंट कमीशन करे या टेम्प्ररी कमीशन करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असली जो ऑब्जेक्टिव है दोनों मामले में एक ही होगा। बाकी जो अस्थाई पिछड़ा वर्ग आयोग है जिसके लिए कंस्टिट्यूशनल प्रोविजन की कोशिश की गई थी, उसको विपक्ष ने गिरा दिया, वो लोकसभा ने उसको पास कर दिया था। राज्यसभा में जब पेश किया गया तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मूव कर करके उस अमेंडमेंट के द्वारा पारित करवा दिया गया। अब सरकार चाहे तो जो राज्यसभा द्वारा जो पारित है उसको ज्यों का त्यों लोकसभा से पास करवा करके उसको कर सकता है, लेकिन उसमें एक है कि कमीशन में एक महिला और एक माइनॉरिटी को डाल दिया गया है। तो माइनॉरिटी कोर्ट जो डाल दिया गया अमेंडमेंट से उसको अगर पास भी करवाते हैं लोकसभा से, लेकिन कोई कोर्ट में जाएगा तो निरस्त हो जाएगा। इसलिए एक तरह से वो जो बिल था वो डेड हो चुका है। उस बिल को अगर सरकार पास भी करवाती है लोकसभा से तो कोर्ट है उसको रोक देगा, क्योंकि धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, कोर्ट ने पहले कर दिया। तो उसको विपक्ष ने जो उसको गिराया है, लोग समझ नहीं पाए हैं, वो पिछड़ा वर्ग विरोधी काम था। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्यों उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन वो जो कह रहे हैं सकलुजमा साहब, ये वही कह रहे हैं कि जो परमानेंट आयोग बन जाता उसको एक देना चाहिए। किसको देना चाहिए इससे फर्क नहीं पड़ना है, असली है कि सही ढंग से जांच हो और सही आंकड़े उसके पास आए और उसका जो रिकमेंडेशन वो सही हो, आरक्षण इस देश में स्थायी रूप से लागू रहे। चलिए इसी बात के साथ फिलहाल इस चर्चा को यहाँ पे रोक रहे हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, और जब ब्रेक से लौटेंगे तब बात करेंगे कॉमन सिविल कोड। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात करेंगे कॉमन सिविल कोड की। कॉमन सिविल कोड पर आपको बता दें, कल जिस तरीके से 3 तलाक को लेकर के फैसला आया उसके बाद से लगातार देश भर में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि कॉमन सिविल कोड की तरफ क्या सरकार बढ़ रही है, क्या बढ़ना चाहिए, इस बात को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही है। दिलीप जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे इस विषय को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही, दो तरह की बातें। एक तो ये कि जैसे ये फैसला आया, एक वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है कि ये सरकार जानबूझ के कॉमन सिविल कोड की तरफ जा रही है और हम इसको वहां जाने नहीं देंगे। एक वर्ग है जो कह रहा है कि ये संविधान में कहा गया है कि कॉमन सिविल कोड की तरफ बढ़ना चाहिए और सरकार को अब इस फैसले के बाद कॉमन सिविल कोड की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं इसको लेकर के, एक वर्ग जो लगातार जो है डर ऐसा दिखा रहा है कि वो डर भी रहा है और फिर इसको लेकर डरा भी रहा है, कैसे इसके अगर आप इतिहास में जाएंगे, जब हिंदू कोड बिल, जब संविधान में इस पर चर्चा हुई थी तो बड़ी हीटेड डिबेट था इस पर। बाद में हिंदू कोड बिल को लेके फैसला हुआ, लेकिन तब की सरकार ने एक सेकुलर स्टेट को, जो हिंदुस्तान को डेमोक्रेटिक स्टेट में, जो कि एक स्लो एक एवोल्यूशन होना चाहिए था, उन्होंने हिंदू कोड बिल तो किया, वहां पे भी कुछ चीजें और समय समय पर होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम कोड बिल को उन्होंने छोड़ दिया और उसके पीछे जो कारण है वो सबको पता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप इसको हिंदू या मुस्लिम एंगल से देखें, इसका सिर्फ इतना ही है कि आप एक सेक्युलर राष्ट्र में हैं, जो बेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं, आपको एक इवॉल्व करना चाहिए एक कॉमन सिविल कोड एज ए प्रोग्रेसिव नेशन, और जिसमें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन के, वो किसी भी धार्मिक या ऐसे आधार से उस पे आघात नहीं पहुंचे, उस चीज को आपको इंश्योर करना है। एंड ऑफ द डे अगर संविधान मुझे कुछ फंडामेंटल राइट
श्योर करता है तो वो जस्ट किसी परंपरा, किसी धर्म, किसी खास वर्ग, किसी खास क्षेत्र, किसी खास चीज के लिए वो मेरा हक मारा जाए, ये जो है एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका कि आंसर एक यूनिफॉर्म के। और अगर कोई ऐसे हमारी मान्यताएं हैं, ऐसी परंपराएं हैं या ऐसे धार्मिक चीजें हैं तो उस पर भी चर्चा होके एक लार्जर बहस करने के बाद उन चीजों को भी एक उसको एकोमोडेट करके डेफिनेटली एक एवोल्यूशन होना चाहिए टुवर्ड्स अ कॉमन सिविल कोड विच इज नॉट बेस्ड ऑन कम्युनल। ये जो कम्युनल इसमें एजेंडा दिया गया है ये राजनीतिक दलों के द्वारा कल जैसे ही आया, वैसे भी पहले से भी इस पर चर्चा चल रही थी, वो एक अलग चर्चा है, वो सियासी चर्चा है, लेकिन प्योरली फ्रॉम अ सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू एज एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एनीवन जिसको कि आपको अगर फंडामेंटल राइट एंजॉय करना है और उसको इंश्योर करना है तो कॉमन सिविल कोड इज द वे फॉरवर्ड, उसको आपको सुनिश्चित करना होगा। उपेन जी आपके पास आए, उससे पहले पुष्पेन जी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे इस विषय को लेकर के। लंबी चर्चा आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बहुत लोग कह रहे हैं कि अब सरकार का असली चेहरा सामने आ रहा है और कुछ लोग डर भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं। देखिए, एक तो बड़ी दिक्कत ये है हमारे मुल्क में कि आप कुछ भी करें उससे पहले झूठ का जो प्रचार है वो कई सालों से चल रहा है और उसको इतने एग्रेसिवली कुछ लोग जो हैं, जो दानिश्वर कहलाते हैं अपने मजहब के, जो दानिश्वर कहलाते हैं अपनी सोसाइटी के, वो जिस तरीके से बताते हैं उससे ऐसा वो डर पैदा करते हैं। कल का जो तलाक का था उसमें भी बहुत कुछ चीजें कुछ नहीं हुआ है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो वो तलाक में जो एक बार में तीन बार कहा जाता था सिर्फ उतना ही हुआ है। इसको कि ज्यादातर लोग कहते हैं गलत है वो गलत है, फिर भी उसमें तो एफिडेविट दिया है मुस्लिम मसला बोर्ड ने, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि कल जब तलाक के बारे में फैसला आया तो तत्काल, क्योंकि एक वर्ग जो है वो तैयार बैठा होता है, वो कहता है देखिए साहब इनका छुपा एजेंडा निकल आया, बार बार ये बात समझाई जा रही है, बार बार ये बात कही जा रही है। मैं इसमें उस समाज के लोगों को जो इसको डर फैलाने की बात, इसमें हिडन एजेंडे की बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस ये है कि उसमें बड़े सारे लोग टेलीविजन पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नहीं हमें समाज को साथ लेना है और वही झूठ फैलाते हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो वो मुसलमानों के लिए नहीं बनेगा, वो सारे धर्मों के लिए बनेगा भाई। उसमें सिख भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है और जैन भी है, सभी कुछ है। उसमें क्या प्रॉपर्टी का राइट का मामला है, तलाक के मामले का मामला है। तो अभी भी आप ये देखें कि तलाक के बिद्दत जो कल सुप्रीम कोर्ट ने वन सिटिंग बने किया है, लेकिन तलाक के एहसन और तलाक के हसन अभी भी मौजूद है। तीन, जहां एक बार में निकालते थे औरत को आप, अभी तीन महीने में निकालने का अधिकार है आपको। लेकिन उसके बावजूद भी जो शाबानों वाला मसला, मैं इसलिए रेफरेंस में ला रहा हूं कि भत्ते का तय नहीं हुआ है कि अभी जिस औरत को आप तीन महीने में तीन बार तलाक कहकर के छोड़ेंगे उसको, उसके जीवन यापन के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। वो जाके अपने सगे भाई के पास रहे, उसके बाप के पास रहे, पति की तरफ से जिस तरीके से हिंदुओं में जब तलाक होता है कोर्ट से भी होता है तो उसमें हैसियत के हिसाब से कोर्ट तय करती है कि आपको इनको इतना पैसा देना है गुजारे बत्ते के लिए। वो बात अलग है कि जब वो शादी कर ले किसी और से तो शायद उसमें कोई रुका, लेकिन यहां तो मजहबी अंदाज में यह है कि औरत को तीन बार तलाक दे दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया इस्लाम में, उसके अंदर आपको एक बार महर तय हो गई। महर का मतलब होता है कि आपने मुझे कितना पैसा देना है, तो वो पैसा लीजिए और घर जाइए बन। तो अभी भी आप देखें तो इससे थोड़ी देर के लिए लग रहा है, लेकिन इसके बहाने जो सरकार, हिंदू का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा, हिडन एजेंडा, अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मुसलमानों को खासतौर से और मुसलमान लोगों ने आपस में इसको बहुत बड़ा एक जैसे कह सकते हैं कि झूठ का मुलम्मा फैला रखा है, जबकि इसमें हिंदू भी मुतासिर होंगे, ईसाई भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, उन सबके बीच में एक सामंजस्य बने तब कुछ चीजों पे होगा कि प्रॉपर्टी राइट का मामला क्या होगा और निकाह का मामला क्या होगा और तलाक, तीन चार इश्यूज हैं। लेकिन उसको लेकर झूठ जानबूझ के एक कम्युनल पॉलिटिक्स को फैलाए रखने के लिए, एक कम्युनल पोलराइजेशन करने के लिए, मुसलमानों को संगठित करे रखने के लिए अलग अलग एजेंडे हैं, उसमें से एक एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। इसमें दो विषय है, एक तो ये कि एक वर्ग तो लगातार ये कह रहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो आप हमारे खिलाफ जा रहे हैं और हम इसको नहीं मानेंगे। दूसरा मेरा सवाल ये है, एक वर्ग ये भी है कि जो जैसे ही बात शुरू होती है वो कहते हैं आप इस देश में लागू ही नहीं कर सकते, आप आदिवासियों को क्या कैसे जो उनकी परंपराएं बंद, वो उनका दर्द क्यों है, वो वहां से बात उठाते हैं और इसको लेकर के तमाम ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। गोवा का जिक्र होता है, गोवा में बीफ अलाउड है नहीं अलाउड है, तमाम तरह के विषय ऐसे लाए जाते हैं कि ये संभव ही नहीं है।
ये इसको इसको हिंदू समाज ही स्वीकार नहीं करेगा, तो ये दो हिस्सों में बट गया, जबकि सिख जैन क्रिश्चियनिटी के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। तो ये आपको लगता इसके पीछे क्या कारण, क्या इसलिए ये बताया जाता है ताकि ये असंभव है, ये इसकी तरफ आप बढ़िए ही मत? नहीं, इसके देखिए इसमें जो देश में खासकर बाकी को तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुसलमानों में जो प्रगतिशील वर्ग था वो तो इस देश में से मुसलमान में नेतृत्व से खत्म हो चुका है। मुसलमानों में नेतृत्व उसको मिलता है जो सांप्रदायिक बातों को ज़्यादा फैलाता है, उसको बीजेपी आरएसएस को का विरोध करना है और एजेंडा, ये जो देखिए दुनिया के ज़्यादातर देशों में इन्फॉर्म सिविल कोड है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में अगर इन्फॉर्म सिविल कोड है तो क्या अमेरिका के मुसलमानों को ये कहा गया है कि आप क्रिश्चियन रीति से शादी करिए या आप क्रिश्चियन रीति से अपने शव का जो है को कब्र में डालिए? तो हमारे यहाँ तो ये प्रचार किया जाता है कि कॉमन सिविल कोड का मतलब ये हो गया कि मुसलमानों की जो शादी है वो हिंदू रीति से करनी पड़ेगी, पूजा पद्धति बदल जाएगी, आपको आपका आप मर जाओगे तो आपको जो है कब्र बनाने के बजाय आपको जलाना पड़ेगा। तो ये सब बातें बिल्कुल मतलब वाहियात बातें फैला दी गई है, ये वाहियात बातें फैला करके और लोगों के अंदर डर पैदा किया गया है। और ज्यादातर लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि गंभीरता से सोच सके कि आखिर इन्फॉर्म सिविल कोड क्या है। देखिए क्रिमिनल मामले में तो आपके यहाँ इन्फॉर्म कोड है ना, इन्फॉर्म क्रिमिनल कोड तो है ही है। चोर के लिए ऐसा तो है नहीं कि हिंदू के लिए अलग सजा है, मुसलमान के लिए अलग सजा है, बलात्कारी के लिए हिंदू के लिए अलग सजा, मुसलमान के लिए अलग सजा। तो इन्फॉर्म क्रिमिनल कोड तो आप क्या है ये है। सिविल कोड से मतलब ये था कि भाई इस देश में एक कानून बन जाए जिससे स्पष्ट हो कि अगर जैसे हिंदुओं में अगर कोई तलाक देता है तो उसके लिए निश्चित है कि आप कितने दिन का पीरियड होगा, आप तलाक के लिए मान्य आधार क्या होंगे, किन किन आधारों पर आप तलाक दे सकते हैं, महिला कैसे तलाक ले सकती है, पुरुष कैसे ले सकता है, लेंगे तो उसका मेंटेनेंस का क्या होगा, संपत्ति में कैसे बंटवारा होगा। तो यही स्थिति ईसाइयों में भी हो, यही स्थिति क्रिश्चियनों में भी हो। दूसरा है कि देखिए हिंदू मैरिज एक्ट तो हमारे यहाँ बन गया, बहुत पहले बन गया। हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू सिख जैन और बौद्ध चारों आते हैं, लेकिन मुस्लिम से मैरिज एक्ट हमारे देश में बना ही नहीं। उनका कोई सवाल यह है कि उसको बनाना तो पड़ेगा ना, उसको आपके उसमें यह नहीं है कि इस्लाम का जो तौर तरीका है, परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको छांट के बनाया जाएगा। लेकिन अगर उसमें एक कोड बन जाता है तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाता है उसमें इस्लाम के रीति रिवाज सब शामिल रहेंगे। ये गलतफहमी किसी को है तो वो दूर हो जानी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होने का मतलब ये है कि सब कुछ एक ही रीति से सारा कुछ हो जाएगा। इतना होगा कि एक कोडिफाई हो जाएगी चीजें और वो कोर्ट में जाने पर उसका उस ढंग से फैसला हो सकेगा, नहीं रहने से इस समय अब किसी महिला को कह तो रहे थे अभी पुष्पेन जी कि उसमें तलाक में तो आपने वो कर दिया लेकिन अभी गुजारा भत्ता का तो कुछ किया नहीं, क्योंकि राजीव गांधी के समय जो संसद में कानून बना था वैसे ही पड़ा हुआ है। तो वो ये कोड आ जाने से गुजारा भत्ता है, बाकी चीजें हैं, उत्तराधिकार के नियम है, वो सब चीजों में अस्पष्टता आ जाएगी। समय बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन पूछ एक लाइन कह रहा हूं, एक लाइन कह दूं, फिर आप देखिए। आप ये देखिए कि ये मौलवी मौलाना टेलीविजन पे क्या कहते हैं कि मुसलमान को कुरान शरीफ के किसी मामले में मदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी, और वो सिर्फ सिविल तक रखते हैं, और कुरान शरीफ जो बातें कहता है क्रिमिनल के मामले में उसमें पूरे बदलाव के अंदर भी उनके अंदर मदाखलत नहीं होती। तो क्राइम में तो कुरान शरीफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिविल के अंदर तो हमारी मक्कारियां करो, अय्यारियां करो, अय्याशियां करो, वो बर्दाश्त होने उस पर कहते हैं हम दंगा हो जाएगा मुसलमान इस देश में। तो ये जो मक्कारी है ये मुसलमानों को समझ आनी चाहिए कि ये जो मौलवी गली मोहल्ले के हैं ये कौन सा कुरान पढ़ते हैं, कौन सी उसकी तासीर पढ़ते हैं, और उसके बाद बरगलाते हैं इस देश में कौम को। आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान को हमने अडॉप्ट किया है उस संविधान में साफ साफ है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन आर्टिकल 44 एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी व्हिच स्टेट्स आर एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये साफ साफ है। तो भारत के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पे कोशिश ये की जानी चाहिए कि भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड तमाम नागरिक के लिए उपलब्ध हो। उसमें किन चीजों को किस तरह से समाहित करना है उस पर एक डायलॉग, उस पर कंसेंसस, उस पर बातचीत, उस पर आप कहते हैं कि हम किसी भी सिटीजन को किसी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे,
किसी भी आधार पर उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको खत्म करने का जरिया क्या है। तो मुझे लगता है डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए एक लार्जर बहस की शुरुआत होनी चाहिए, और जो लोग संविधान को मानते हैं कम से कम उनके तरफ से ये तो शुरुआत होनी ही चाहिए। जो लोग संविधान को न माने उन्हें इस देश की कोई भी सरकारी जो है सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। संविधान नहीं मानते। 30 सेकंड में उपेंद्र जी, समय समाप्त हो गया है, लेकिन बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। देखिए, सब बोल ही चुके हैं, मैं भी इसी बात को मानता हूं कि इन्फॉर्म सिविल कोड की ओर आगे बढ़ना ही चाहिए, और इससे जो डाइवर्सिटीज है, जो डाइवर्सिफिकेशन है, उस माप में होगा। इसमें सिर्फ जो अधिकार हैं वो कॉमन अधिकार हो जाएंगे, शादी के अंदर का जो अधिकार है, डाइवोर्स के बाद जो अधिकार है, तो ये बात अधिकारों की से संबंधित है, न कि संस्कृति और धर्म से कोई मतलब अपने हिसाब से होगी। तो ये सही है, इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, और यही संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भी था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका, उपेन्द्र जी आपका, उदय जी आपका, पुष्पेन जी आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि समाज के अंदर भी इस तरह की चर्चा हो, और जो लोग इस तरह के डर फैला रहे हैं उनको किनारे करके लोगों के पास जागरूकता फैलाई जाए कि कॉमन सिविल कोड से किसी के धर्म, किसी की संस्कृति को खतरा नहीं है, बल्कि आपके अधिकारों की रक्षा ही है। फिलहाल के लिए नमस्कार।